सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल तुषार जैन को और बेल आइकन को दबाइए जैन धर्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स व खबरें सबसे पहले देखने के लिए। You know, I read about different philosophies and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence, ahimsa, non-violence. Second is ke aap utna hi istemal kariye jitna ke aapko zarurat hai, usse zyada istemal na kariye. Aur teesra ke agar kisi aur ki ka vichar, soch vichar aapse alag hain to aap usse jhagda na kare, aap ye baat mane ke uska bhi ek point of view hai aur usko अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है। ये सारे वैल्यूज हैं जैनिज्म के जो मुझे जो पढ़ के मुझे बड़ा मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर, इससे मुझे सीखने को मिला। हाँ स्मोकिंग तो बंद हो गया सर, वो स्मोकिंग तो नहीं, अभी तो रिलीज तो 2 साल दूर है। स्मोकिंग तो बंद हो गया है। और ये जो केक मैंने काटा और आप लोग खिलाया वो भी वीगन केक था, मतलब उसमें दूध नहीं था, दूध और अंडा नहीं था, परमानेंट हो गया। उसकी वजह ये है कि किरण जी ने मुझे ये एक वीडियो दिखाया YouTube पर जिसमें बेसिकली गुड हैबिट्स, गुड हेल्थ की बातें एक डॉक्टर है अमेरिका में, वो लेक्चर दे रहे थे खाने के बारे में और खाने का जो रिश्ता होता है आपके जिस्म से, अलग अलग बीमारियों से, आप किस तरह हेल्दी खाना खा सकते हैं, नॉन वेज से क्या तकलीफ हो सकती है आपको, वेज से क्या होता है और वीगन से क्या होता है। तो उससे मुझे ये बात समझ में आई कि वीगन डाइट जो है वो सबसे हेल्दी डाइट है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि आप वीगन डाइट फॉलो करें, महंगा नहीं ये वेजिटेरियन में, बल्कि आप वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन से 2 कदम आगे। तो वेज में आप दूध पीते हैं, दूध के साथ साथ जो चीज़ें बनती हैं दही, पनीर, चीज़, मक्खन, घी, तो इसमें दूध और जूट से जितनी बनी चीज़ें वो भी हट जाती हैं, तो आपका कॉस्ट और कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड में हमारी उम्र कहीं जाके थम जाती है। जैसे कि आम तौर पे मैंने पाया है जब मैं लोगों से भी बात करता हूँ तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आम तौर पे 18-20 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। मोस्ट पीपल गेट स्टक एट दैट एज, आम तौर पे लोग उसी उम्र में अटक जाते हैं अपने जहन में। शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मानसिक तौर पे या इमोशनली या मेंटली हम उसी उम्र में रहते हैं। तो जब मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा आंटी अंकल टाइप का आदमी है, मुझे ये मैं भूल जाऊंगा मेरी उम्र भी उतनी है। क्योंकि अपने जहन में तो मुझे लगता है मैं आज भी 18 साल का हूँ। उम्र का याद तब आती है, उम्र की याद जब हमें कुछ फिजिकल चीज करनी होती है जो हम 18 साल की उम्र में कर पाते थे बड़ी आसानी से, अब हमें मुश्किल होती है वो करने में, तो तभी उम्र का एहसास होता है या याद आती है बात। अदरवाइज एट हार्ट ऑल ऑफ अस आर यंग आई थिंक। मैं आपको सच बताऊं तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बैरेस हो जाता हूं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा, कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है। तो मैं उनमें से हूँ, तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज़्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ उस बात को, मुझे लगता है कि हम तीनों ही अभी जवानी हैं, आई थिंक हम तीनों की एज 65 में हम बॉर्न है, तो हम तीनों एक ही साल में 50 हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम लोग 18-20 के ऊपर अभी पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि फेलियर जो है वो बहुत ज़रूरी एक ज़रूरी क्या कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई मौके ऐसे फेस किए हैं जहाँ मेरी फिल्में कामयाब नहीं हुई, जहाँ मैंने अच्छा काम भी नहीं किया, बुरा काम किया मैंने, कभी चॉइसेस गलत हुए, लेकिन वही चीज़ें जो मेरी गलतियाँ थी, जो मेरे फेलियर्स थे, सबसे ज़्यादा सीख मुझे उन्हीं से मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो ना सिर्फ मेरी कामयाबियों की वजह से लेकिन मेरी फेलियर्स की वजह से, क्योंकि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो जो सीख मिली है मुझे उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ है आज तक। मेरी बर्थडे मेमोरीज ये हैं कि चूंकि मेरी सालगिरह 14 मार्च को है,
तो आमतौर पे उस वक्त एग्जाम हुआ करते थे, तो मेरी बर्थडे हमेशा पोस्टपोन होती थी कि अभी एग्जाम से बाद में कर लेंगे। जब मैं छोटा था तो मुझे पतंगों का बड़ा शौक था, तो मुझे याद एक दफ़ा मुझे चरखा, मांझा और पतंगें मिली थी बर्थडे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इफ़ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। आप अपने बॉडी को टोटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इफ़ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी बॉडी जैसे आप चाहें आप उसको घुमा सकते हैं। मैं जब अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है, मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो मैंने गलत की हैं, जो मैं बेहतर कर सकता था। तो मैं अपने पुराने काम को देखना पसंद नहीं करता। आजाद को सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, मैं केक कब काट रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।